हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं घर पे हेल्दी मूंग दाल का स्प्राउट कैसे तैयार करना है वो दिखाने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो हरी मूंग दाल ले सकते हैं, या फिर ब्राउन वाली जो मूंग दाल आती है होल अक्का वो ले सकते हैं, या तो फिर आप उड़द दाल से भी स्प्राउट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि सबको पता है, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि स्प्राउट्स हमारी हेयर के लिए, स्किन के लिए कितना हेल्दी होता है, और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही न्यूट्रिशनल से भरा है। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं कि स्प्राउट्स कैसे तैयार करना है। तो मैंने यहाँ हरी मूंग दाल ली है, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। उसे मैंने अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करके उस पानी को फेंक दिया है। अब उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं 5 से 6 घंटे के लिए इसे भिंगा लूँगी। स्प्राउट्स को ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो बच्चों को रोज़ाना 2 से 3 चम्मच स्प्राउट कच्चा दे सकते हैं, पर अगर उसे हल्का सा स्टीम कर ले तो आपकी बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ मैंने सोक कर लिया है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल वीडियो है, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्प्राउट्स बनाना बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस उस 2-3 टेक्निक की ज़रूरत होती है और कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, 5 से 6 घंटे भीगने के बाद मैंने उसके पानी को फेंक कर उसे अच्छे से फिर से वॉश कर लिया है, छिलकों को नहीं उतारा है, और ये देख लीजिए थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो अब इसे ये ऐसे होल्स वाले अगर आपके पास बर्तन है तो बहुत ही अच्छा है स्प्राउट्स बनाने के लिए, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जूसर का जो स्ट्रेनर होता है ना, जिस पे हम जूस बना के स्ट्रेन करते हैं, अगर वो स्ट्रेनर है जो नेट वाली होती है वो है, तो आप उस पे भी स्प्राउट्स बना सकते हैं। उस पे इसी तरीके से दाल को स्प्रेड कर देना है, उसके ऊपर एक गीला कपड़ा रख देना है, और छोटी कोई बर्तन है तो उसके ऊपर उस स्ट्रेनर को रख देनी है, ताकि बाहर से उसे हवा लगता रहना चाहिए। अगर उसे हवा नहीं लगेगा तो स्प्राउट्स अच्छी तरीके से बनेंगे नहीं, और वो पूरे अजीब सी स्मेल आ जाएंगी। और अगर ऐसे होल्स वाले आपके पास बर्तन हैं तो वो बहुत ही यूज़फुल है। उस बर्तन में आप स्प्राउट्स को ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं, और फिर एक दिन के लिए आप उसे छोड़ सकते हो। 10 घंटे मैक्सिमम लगते ही लगते हैं स्प्राउट्स को तैयार होने में, आप उसके पहले भी देख सकते हो, पर अच्छे से स्प्राउट्स को तैयार होने के लिए 10 घंटे लग जाते हैं।